असेसिंग द नीड ऑफ रिससिटेशन एट बर्थ। जन्म के समय को नोट करें, बच्चे को सूखे गर्म तौलिए में रिसीव करें। अगर बच्चा सही से सांस ले रहा है, उसकी छाती दोनों साइडों में अच्छे से फूल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सांस लेने की गति 30 से 60 बीट्स पर मिनट है, बच्चा रो रहा है, अगर हाँ साधारण केयर दिया जाएगा, अगर नहीं तब बच्चे को तुरंत रीसेसिटेशन की आवश्यकता है। इनिशियल स्टेप, बच्चे के कॉर्ड को तुरंत काटें और बच्चे को रेडिएंट वार्मर में रखें। शुरुआती कार्य ड्राई, बच्चे को अच्छे से ड्राई करें और गीले कपड़े को फेंक दें। पोजीशन, बच्चे को उसके बैक पर लिटा दें। हेड की पोजीशन मेंटेन करने के लिए स्लाइटली एक्सटेंडेड, कपड़े को मोड़ के कंधे के नीचे रखें। क्लियर द एयरवे एज नेसेसरी, इसमें सक्शनिंग की आवश्यकता होती है म्यूकोनियम को रिमूव करने के लिए। टैक्टाइल स्टिमुलेशन, बच्चे को स्टिमुलेट करते हैं ब्रीद लेने के लिए तथा बच्चे की पोजीशन को एक बार फिर से चेक करें ताकि एयरवे ओपन रहे। 30 सेकेंड उपरांत बच्चे की सांस लेने की गति और हार्ट रेट को देखेंगे। अगर बच्चा सांस सही से नहीं ले रहा है या हार्ट रेट 100 बीट से कम है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने की आवश्यकता है। एम्बू बैग या सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ दो तरह के मास्क मिलते हैं, पहला समय से पूर्व जन्मे बच्चों के लिए और दूसरा समय पर जन्मे बच्चों के लिए। एक हथेली पर बैग को रखकर दूसरे हाथ से दबाएं। क्या आपको दबाव महसूस हो रहा है? क्या आप प्रेशर रिलीज वाल्व को खोल पा रहे हैं? अगर नहीं तो चेक करें कि बैग कहीं फटा तो नहीं। बैग की स्थिति देख करके ही इसे इस्तेमाल करें। मास्क का साइज का सिलेक्शन, मास्क बच्चे के नाक, मुंह और चिन को कवर होने का चाहिए। अगर मास्क ज़्यादा बड़ा या बहुत छोटा हो तो वह गलत है। अब हम बैग और मास्क वेंटिलेशन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि बच्चे की पोजीशन ऐसी रखें, बच्चे के सर के पीछे या बगल में खड़े हो जाएं। यहाँ से आप रिससिटेशन उपकरण को सही प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे के छाती और पेट को भी सही तरह से देख सकते हैं। मास्क को बच्चे के मुंह के ऊपर रखें, अंगूठा और पहली दो उंगलियां रिम के ऊपर रखें और चौथी और पांचवी उंगली बच्चे के थोड़ी को आगे लाए ताकि सांस सही प्रकार जाए। मास्क के रिम और शिशु के मुंह के बीच कसाव लाएं ताकि सांस सही प्रकार जाए और छाती में फुलावाए हर सांस के बाद। रिससिटेशन की शुरुआती दौर में 40 से 60 सांसें देनी चाहिए। सांस के गति की प्रति दर को मापने के लिए स्वयं से कहें, ब्रीथ टू थ्री, ब्रीथ टू थ्री, ब्रीथ टू थ्री, ब्रीथ टू थ्री। अगर फिर भी छाती में फुलाव ना आए तो फिर ये करें। इन एडुकेट सील के कारण मास्क को एडजस्ट करके एयर टाइट सील बनाएं। इन अप्रोप्रिएट पोजीशन के कारण बच्चे की पोजीशन को चेक करें, कंधे को ऊंचा करें कपड़े की मदद से, बच्चे के हेड और नेक को एक्सटेंड करें। ब्लॉक्ड एयरवे, बच्चे के मुंह में और नाक में सक्शन करें अगर ज़रूरी है तो। इन एडुकेट प्रेशर, कर्मचारी द्वारा जो सांस दी जा रही है बैग में वह सही प्रेशर में नहीं दी जा रही है, बैग में सही से प्रेशर दें। और बैग और मास्क वेंटिलेशन शुरू करें 40 से 60 सांसें पर मिनट के हिसाब से।
अगर प्रेशर सही तरीके से दिया जा रहा है और बच्चे का छाती फूल रहा है तो 30 सेकंड के बाद ऑब्जर्व करें कि सांस लेने की गति और हार्ट रेट को। हार्ट रेट काउंट करने के लिए कॉर्ड पल्सेशन को 6 सेकंड तक काउंट करें और 10 से मल्टीप्लाई करें। अगर हार्ट रेट 100 से ऊपर है तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जारी रखें, और अगर हार्ट रेट 100 से कम है तो बच्चे को हायर सेंटर में रेफर करें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के साथ या इंट्यूबेट करके।